दोस्तों आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मगर क्या आपको पता है कि इंटरनेट पे इसी डर का धंधा किया जाता है। लोगों को डरा धमका के स्कैमर्स न जाने उनसे क्या क्या करवा लेते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप घर पर हैं, आप अपने भाई या बहन के साथ घर में ही कुछ खेल रहे, बॉल से खेल रहे हैं, और अचानक से आपसे कुछ कांच का आइटम टूट जाता है। तो आप अपने भाई या बहन को जिन्होंने वो चीज़ देखी है उसको यही तो कहते हैं ना कि यार प्लीज़ यार पापा को मत बता देना, कहते हैं ना। जिसके बदले में वो आपसे शायद ये कहते हैं कि ऐसे कैसे कुछ देना पड़ेगा, पार्टी दे मुझे। ये होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये अगर हम इसको 10x कर दे या 100x कर दे तो ये एक तरीके की ब्लैकमेलिंग ही तो है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसको आप छुपा रहे हैं और जिसको आप नहीं ला सकते सबके सामने, और वो चीज़ का कोई और फ़ायदा उठा रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर राजा की जान तोते में हो तो वो उसका ख्याल अपने से ज़्यादा रखता है। बस ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों। इंटरनेट पे हज़ारों स्कैम्स होते हैं और वो भी डेली। लोग ऐसे ही लोगों के भोलेपन का और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे ऐसी चीज़ें करवा लेते हैं जिनके बारे में उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। आजकल व्हाट्सएप पे एक स्कैम ऑपरेट किया जा रहा है जिसमें ऐसे ही मासूम लोगों को या जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है फंसाया जाता है। होता यह है, मान लीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक ऑफिस गोइंग गाय हैं, एक नौजवान हैं, आपके पास ना जाने दिन भर में कितने इंटरनेट कॉल्स आते हैं, कितने मैसेजेस आते हैं, आप उनको एंटरटेन भी करते हैं, आप उनको रिवर्ट भी करते हैं, कितनी बार हमारे पास अननोन नंबर से कॉल भी आ जाते हैं, तो हमें क्या लगता है, उठा लेते हैं, सॉरी रॉन्ग नंबर बोल देंगे। मगर मान लीजिए ऐसे ही एक दिन आपके पास व्हाट्सएप से एक वीडियो कॉल आ रहा हो, अननोन नंबर हो, आप उसे उठा भी लें, उसे उठाने पर उसमें एक लड़की हो जो आपसे बात करे, बात करते करते चंद सेकेंडों में ही वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगे। ये चीज़ देख के आप हड़बड़ा के उस वीडियो कॉल को उसी वक्त काट दें। जब तक आपका ब्रेन इस बात को प्रोसेस कर रहा होगा, इतने में ही किसी और अननोन नंबर से या उसी अननोन नंबर से आपके पास कुछ क्लिप्स और कुछ फ़ोटोज़ आने लगती है, जिन क्लिप्स में कुछ ऐसे तरीके से उसी कॉल के स्क्रीनशॉट्स को या उसी कॉल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है कि लगता है कि आपने ये सब चीज़ें इंटेंशनली करी है। ऐसी सिचुएशन में इंसान कितना भी ज़्यादा समझदार हो वो नम रह जाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपके पास फिर आते हैं मैसेज या फिर सीधा धमकी भरे कॉल। आपको बोला जाता है कि आपकी इन पिक्चर्स को या इन वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स को भेज दिया जाएगा। वो लोग आपका डेटा निकाल के बैठे हुए होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, हर एक छोटी से छोटी नर्व्स पकड़ के बैठे होते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम केस में वो आपको सीधा धमकी देंगे कि हम ये चीज़ ये वीडियो या फिर ये पिक्चर पुलिस में दे देंगे, ये बोल के कि आप शायद एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं या फिर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड करते हैं, आप इसके पीछे के मास्टरमाइंड हैं। आजकल AI की मदद से हम लोग जैसे देखते हैं कि कई सारी पिक्चर्स वीडियोस ऐसे बना ली जाती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके लिए आपके खिलाफ भी ऐसे एविडेंस बना लिए जाते हैं जिन्हें देख के आप शायद खुद भी दंग रह जाएंगे कि क्या ये मैं ही हूँ या फिर कोई और। इस पूरे प्रोसेस को सेक्सटॉर्शन कहते हैं, जहाँ सेक्सुअल कंटेंट दिखाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। अब जहाँ एक तरफ इंटरनेट, व्हाट्सएप, AI, इन सब चीज़ों की मदद से हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है, हम अपने सात समुंदर पार दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, हमने अक्सर मोदी जी को बॉलीवुड गाने गाते सुना है, तो कभी विराट कोहली के चेहरे पे किसी एक्टर की मूवी के सीन को देख के काफ़ी हंसे हैं। मगर यही चीज़ दूसरी तरफ किसी इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा सकती है। रोज़ न जाने ऐसी कितनी वारदातों को अंजाम दिया जाता है जहां बात सिर्फ थ्रेट्स की नहीं रहती, वो थ्रेट प्रॉपर्टी या पैसों से रिलेटेड नहीं रहते। ये जो बातें होती हैं ये हम लोग हमारी सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं आसानी से डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि बात यहाँ पे इज्जत क्या रहती है। हम अपने करीब से करीब इंसान से भी बातें डिस्कस नहीं कर पाते, चाहे उसको शर्म कह लो या फिर कोई और कारण, और कई बार इन सब के चलते लोग अपनी जान तक ले लेते हैं टू एंड ऑल दिस शिट अराउंड देम। हमें अंदाज़ा तक नहीं होता कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अब आप ये कह दोगे कि नहीं यार मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं छुपाने को, सब सामने ही है, या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ। मगर जब आप एक साइट खोलते हो उस पर कुकीज़ एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, सबसे पहले एक कुकी एक्सेप्ट करने पे आपको पता भी नहीं होता कि आप किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपना टिक मार्क लगा रहे हो उस वक्त पे कि हाँ भाई मैं अलाउ कर रहा हूँ अपना पर्सनल, अपना प्रोफेशनल, शायद अपना बैंकिंग डेटा तक देने पे। अब मैं डेटा लीक का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हो और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उसे कह रहे हो कि यार मुझे जूते लेने हैं, या फिर आप किसी ब्रांड को सर्च कर रहे हो
और थोड़ी ही देर में आपके इंस्टाग्राम पे रिकमेंडेशन आने लगती है स्पेसिफिकली उस ब्रांड की या फिर उस चीज की। आपको पता भी नहीं है कि आपके डेटा की बाहर बोली लगती है। लोग बल्क में लोगों का डेटा बेचते हैं। जाके आप किसी भी अकेडमी को देख लो, आप स्टूडेंट हो, आपको पता भी नहीं होता कि आपके पास कितनी कॉल्स आने लगती है, हमारी अकेडमी में एडमिशन ले लो। ये सारा डेटा बिक रहा होता है जो बल्क में बिकता है। साइबर क्राइम्स, कंप्यूटर बेस्ड क्राइम्स, इंटरनेट क्राइम्स, ये सारी चीज़ें हमारी ही बनाई गई टेक्नोलॉजी का अभिशाप ही तो है। अब सागर मंथन हुआ है तो उसमें से विष भी तो निकलेगा, सिर्फ अमृत तो नहीं आएगा। उसी तरह से ये चीज़ें भी बाहर आई। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स के बारे में बताता हूँ जो आजकल अक्सर लोगों के साथ हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी स्टीलिंग की। इसमें आपके सोशल मीडिया या आपके बैंकिंग या फिर आपके कॉलिंग अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। उसके बाद आपके ही जानने वालों को, आपके कॉन्टैक्ट्स को आप ही बन के कॉल या मैसेज किया जाता है। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक बारी मेरे दोस्त का फ़ोन चोरी हो गया। उससे मुझे एक मैसेज आया था सेम डे कि भाई मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी। मैं उस दिन रिप्लाई नहीं कर पाया। सेम मैसेज मेरे कुछ और दोस्तों के पास भी किया था जिसमें से एक ने रिप्लाई कर दिया। उसके बाद उसने ये कहा कि मैं अर्जेंटली कहीं पे फंसा हुआ हूँ, मुझे इतनी अमाउंट भेज दे। उसने भेज भी दी। उसके थोड़े टाइम बाद ये स्टोरी उसने अपने इंस्टाग्राम से डाली कि यार मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, अगर मेरे फ़ोन से कोई अननोन कॉल आए या फिर कोई मैसेज आए तो प्लीज़ एंटरटेन मत करना। मगर तब तक जो स्कैमर्स थे वो अपना काम कर चुके थे। अब अगला आता है फिशिंग। अपने नाम की तरह ही इसमें भी कांटा लिया जाता है, उसमें चारा लगाया जाता है, समुंदर में फेंका जाता है और मछली को फांसा जाता है। बस बात ऐसी है कि इसमें वो कांटा है इंटरनेट, वो चारा है कुछ अननोन लिंक्स और वो मछली हम होते हैं। होता कुछ ऐसा है कि आपके पास कुछ अननोन लिंक्स या कुछ QR कोड्स भेजे जाते हैं, चाहे आपके दोस्तों से ही या भी रैंडमली वो आप तक पहुंच जाते हैं। आप उन्हें क्लिक करते हैं और वो आपको रिडायरेक्ट करते हैं कुछ ऐसे पेजेस पे जो आपके लिए काफ़ी फेमिलियर होते हैं, चाहे वो बैंकिंग का जैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो वाला पेज आ जाता है, या फिर हमारा फेसबुक लॉगिन पेज आ जाता है, इंस्टाग्राम लॉगिन पेज आ जाता है। तो हम सबको यही लगता है कि शायद ये प्रोसीजर का पार्ट हुआ कि शायद हमें लॉगिन करना होगा। जब हम बचपन में फेसबुक में गेम खेलते थे तो वो लॉगिन करना पड़ता था हम लोगों को कि भाई पहले अपनी आईडी डाल दो, पासवर्ड डाल दो, उसके बाद वो गेम खुलेगा। ऐसे ही लोग उसमें आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, कितनी बार अपनी बैंक डिटेल्स तक डाल देते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं, तब वो लिंक काम नहीं करते। बस उनका काम पूरा हो चुका होता है, वो लिंक से सीधा वो चीज़ें रीडायरेक्ट होके वो सारा डेटा उन स्कैमर्स तक पहुंच जाता है और वो उससे क्या करते हैं वो आप सब जानते ही हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसमें छोटे उम्र के बच्चों की कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसी वीडियोस बना ली जाती है उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करके, जो इस कच्ची उम्र में वो जानते तक नहीं कि उनके साथ हो क्या गया। उसके बाद उन्हें या तो डायरेक्टली इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है या फिर उनको अपलोड करने की धमकी जाती है उनके पेरेंट्स को, और उसके बाद वो अपने रैमसम्स मांगते हैं। अब इसी चीज़ का एक अडल्ट वेरिएंट भी है, सेक्सटॉर्शन, जहाँ पे अडल्ट्स को ही टारगेट किया जाता है। जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई थी कि वो इंटरनेट कॉल आया और उसमें क्या क्या हुआ, वो सेक्सटॉर्शन का ही एग्जाम्पल था। अब बात ये होती है कि उस अडल्ट को पता होता है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, जिसकी वजह से मजबूरन उसको उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया वर्ल्ड में पैंडेमिक के बाद से वर्ल्ड में रैंक 1 बन चुका है इस सेक्सटॉर्शन का। सबसे ज़्यादा सेक्स रिलेटेड स्कैम्स इंडिया में ही हो रहे हैं। आपको इन वीडियो कॉल्स में ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है, रैमसम्स मांगी जाती है, और भी बहुत तरीके होते हैं ब्लैकमेलिंग करने का। आपको पता तक नहीं लगता कि आपके साथ जो इंसान कॉल पर है वो असली है भी या नहीं। मोस्टली ये लोग जब ऑपरेट करते हैं या तो इनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं और ये उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपके फ़ोन के आगे चला देते हैं और उसी चीज़ को किसी तीसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और फिर AI की मदद से आपको या तो डीप फेक कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, या फिर ये लोग AI से बॉट ही बना देते हैं जो तुम्हारे सामने लड़की होगी या जो भी कोई इंसान होगा वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लोग आपके इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं। हज़ारों ऐसे केसेस आते हैं, मगर आपको अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की और झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्राइम ब्रांच कहती है जो रोज़ ऐसे केसेस को डील कर रही है आजकल। वो खुद ये कहते हैं कि ऐसी कॉल्स, खास करके वीडियो कॉल्स को एंटरटेन बिल्कुल भी मत करिए, मगर गलती से अगर आप ऐसी कॉल्स उठा लेते हैं या फिर आपको फिर धमकी भरे मैसेजेस या कॉल्स आने लगते हैं तो हम किस लिए बैठे, हमें बताइए, क्योंकि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये लोग रोज़ ऐसी हरकतें कर रहे हैं और रोज़ ऐसे केस सॉल्व भी हो रहे हैं। हम लोग एक टाइम पे इन सब चीज़ों के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत अवेयर है, मगर फंसते वो लोग हैं जिनको इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या बड़ी उम्र के लोग या गांव देहात के लोग या फिर वो लोग जो लोग कम पढ़े लिखे, जिनको लगता है कि शायद हमारे साथ ये हो गया तो अब इस चीज़ का तो कोई इलाज होगा ही नहीं।
तो वो लोग इसमें और फंसते चले जाते हैं बिना किसी की मदद मांगे। उन लोगों तक इस बात की अवेयरनेस फैलाना आपका काम है, क्योंकि अगेन बात घूम फिर कर यही आ जाती है कि इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता और बात कोई बाहर लाना ही नहीं चाहता, मगर जब तक बात बाहर आती है तब तक बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, जिसके बारे में सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता अगली कॉल आप ही के पास आ रही हो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में।